मोदी सरनेम वाले बयान पर मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को भी खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना है। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पुणेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। आज राहुल जी का केस का फैसला है। राहुल जी की जो गुनहगार ठहराया गया है, मतलब कन्विक्शन जो दिया गया है, वो कन्विक्शन सस्पेंड करने के लिए जो हमने एप्लीकेशन हाईकोर्ट में रखी है, रिविजन एप्लीकेशन, उसका चुकादा, उसका जजमेंट अभी 11 बजे शार्प आने वाला है। हमें उम्मीद है कि ये राहुल जी की तरफेर में चुकादा आना चाहिए। उसके एक से ज़्यादा वजूद है, एक से ज़्यादा वजूद है। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो महत्तम कन्विक्शन किया गया है, सेंटेंस दिया गया है, वो गलत है। पहला ही गुना है वो, और ऐसे कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस नहीं थे जो राहुल जी को मैक्सिमम सजा सुनाई जाए। दूसरा, जो ट्रायल कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, उसमें जो एविडेंस का जो विश्लेषण किया है, वो गलत है। और जो आरोप किए गए हैं राहुल जी के साथ, उसके पुरावा, मतलब एविडेंस नहीं है। और ये जो फैसला सुना गया है, वो एविडेंस के न होने के बावजूद भी किया गया। तो ये सभी चीज़ें हमने, मतलब मनु सिंघवी जी ने, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने बहुत अच्छी तरह से रखा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आज हमारा हमारी तरफेंड में हो जाएगा। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।